हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, सब मज़े में होंगे। दुआ करता हूँ सब खैरियत से रहें। दोस्तों, 50,000 दिरहम का फ़ाइन आपको देना पड़ सकता है अगर आप ये वीडियो को पूरा चेकआउट नहीं करते। जी हाँ, 5 लोगों पे 50,000 दिरहम का जुर्माना लगा है। क्यों लगा है, क्या वजह है, क्या फाइंस लगाया है, किस वजह से लगाया है, और 3 महीने की सर्विस भी आप उनको करनी पड़ेगी, जेल के बदले में सर्विस मिली है, वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा चेकआउट करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आज की जो जॉब्स हैं, जॉब्स डेली बेसिस पे आपके लिए लेकर के आता हूँ दोस्तों। MD साइम चैनल सिर्फ और सिर्फ दुबई जॉब्स इन्फॉर्मेशन, गल्फ जॉब इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के लिए है, जो राइट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है बिना किसी चार्ज लिए। डेली बेसिस पर जॉब्स हमारे चैनल पर अपलोड होती हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप पहले लिंक पर अगर क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट रिसर्च कर देंगे www.realjobsindubai.in, तो वहां पर आपको डेली बेसिस पे जो जॉब्स अपडेट होती है वो मिल जाएंगी। अभी भी मैंने जॉब्स अपडेट कर दिए हैं, जाकर के चेकआउट करिएगा और जल्दी से अप्लाई करिएगा। और किसी को भी एक भी दिरहम, एक भी रुपीस, एक भी डॉलर देने की जरूरत नहीं है, सारी जॉब बिल्कुल ही फ्री होने वाली है, इस बात का ध्यान रखते हुए अप्लाई करिएगा। अब बात करते हैं न्यूज़ की। कल इस टाइम में मैंने न्यूज़ पढ़ी, अभी ये न्यूज़ ये पढ़ी कि अभी 5 लोगों को 50,000 दिरहम का चार्ज लगा, यानी कि 50,000 दिरहम का अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लगभग 10 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी में बैठेंगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, और पाकिस्तानी में इससे डबल बैठेंगे, यानी कि 18 या 20 लाख रुपये। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है कि आप इस चक्कर में ना पड़े। ये जो 5 लोग थे, ये इमारती थे, यानी कि इनकी जो नेशनलिटी थी ये इमराती थे, ठीक। इन पर चार्ज क्या लगा, ये ड्राइविंग कर रहे थे गलत तरीके से। अच्छा, लाइसेंस था इनके पास, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अबू धाबी का ये केस है, आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा ये न्यूज़ की पट्टी, ठीक, आप देख सकते हैं। लाइसेंस था उनके पास, लेकिन बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहे थे और ड्रिफ्टिंग कर रहे थे, मतलब कि जो हवाबाजी होती है ना, जैसे अपने अपने इंडिया में या पाकिस्तान में लोग इधर को गाड़ी चला रही, इधर को चला रही और प्रॉपर्टी का लॉस कर दिया, ये सब उन्होंने करा। अब मौका है वारदात पर अबू धाबी पुलिस वहाँ पर पहुंची, उन्हें अरेस्ट करा, अरेस्ट करके जजमेंट हुआ। जजमेंट देखिए, जजमेंट कितनी जल्दी होता है, अपने इंडिया या पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भाई तारीख पर तारीख दी जाए। हाथों हाथ जजमेंट हुआ, 50,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया उन पर, और सिर्फ इतना ही, 3 महीने की जेल भी कन्फर्म कर दी थी, लेकिन फिर बाद में देखते हुए कि इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए, उनको 3 महीने की सर्विसेज पर लगा दिया गया, यानी कि उनको 3 महीने तक साफ सफाई का काम करना होगा UAE की सड़कों पर। तो देखिए कितनी हार्ड इसकी यहाँ की UAE की सिक्योरिटी है, UAE की जो वो क्या बोलते हैं कानून है, वो कितने सख्त हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इस तरह की गलती बिल्कुल मत करिएगा, कतई मत करिएगा। अगर आप ड्राइविंग करते हैं UAE के अंदर तो बिल्कुल सेफ ड्राइविंग करिएगा। तो ये न्यूज़ मुझे आपको देनी थी, मैंने आपको दे दी, आई होप आपके काम की होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी ये काम की इन्फॉर्मेशन लगी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो भी जॉब आपको चाहिए हो वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा। और पहली बार आए हो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग।